कटनी में नगर पालिका निगम में शहर के विकास के मुद्दे पर चल रही परिषद की बैठक में विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए नगर पालिका निगम के इंजीनियर केपी शर्मा को हटाए जाने की मांग की और कहा कि शहर में कई वार्ड ऐसे हैं जहां विकास के कार्य नहीं हुए हैं। नगर पालिका निगम में हंगामा कर रहे कांग्रेसियों ने बताया कि शहर के कई ऐसे वार्ड हैं जहां कई सालों से सड़क निर्माण नहीं कराया गया है और जब यहां के रहवासी नगर पालिका निगम प्रशासन के अधिकारियों और इंजीनियरों से सड़क निर्माण और बिजली के खंभे लगवाने की मांग करते हैं तो अधिकारी और इंजीनियर यह कहते नजर आते हैं कि वह अवैध कॉलोनी है, इसलिए वहाँ सड़क और बिजली के खंभे नहीं लग सकते। लेकिन निगम प्रशासन वहाँ के वासियों से बाकायदा सुविधा के नाम पर हर साल टैक्स वसूल रहा है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहा। वहीं कांग्रेसियों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम के इंजीनियर केपी शर्मा अति भ्रष्ट हैं। वे शहर का विकास नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना ही विकास करना जानते हैं और जब शहर विकास के लिए पार्षद उनसे बात करने जाते हैं तो वे काम टालते नजर आते हैं। कांग्रेसियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि नगर निगम के इंजीनियर शर्मा को हटाया जाए और शहर की पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध कर वहां सड़क निर्माण किया जाए और बिजली के खंभे लगवाए जाएं। देखिए, कांग्रेस पार्षदों ने कोई हंगामा नहीं किया है। जनता की आवाज़ बुलंद करना यदि हंगामा है तो हंगामा हुआ है। जनता की आवाज़ को यदि कोई नहीं सुनेगा तो ये सदन है। सदन नगर निगम कटनी का सर्वोच्च सदन है, संस्था है और यहाँ बैठक हो रही है और जनहित के मुद्दे, चाहे आवास योजना से संबंधित मुद्दा हो, नगर की सफाई से संबंधित कोई मुद्दा हो, MSW से संबंधित मुद्दा हो या अवैध कॉलोनी के वैधीकरण से संबंधित मुद्दा हो, जगन्नाथ चौक से घंटाघर के रोड के नवनिर्माण का मुद्दा हो, शहर की टूटी फूटी सड़कों की बदहाली ख़त्म करने का मुद्दा हो, गरीबों के राशन कार्ड बनने का मुद्दा हो, ये मुद्दे तो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और ये आवाज़ हम लोग बुलंद कर रहे हैं यहाँ पर और अधिकारीगण जवाब देने की बजाय भाग रहे हैं, यहाँ पर छुट्टी लेकर के भाग रहे हैं। जो नियम 17 के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में सारे कांग्रेस पार्षदों ने जनता के हित की आवाज़ बुलंद करते हुए असेंबली के सामने धरना दिया हुआ है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।